नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर जो सेबी ने आरोप लगाए हैं फ्रंट रनिंग के। तो ये अभी साबित नहीं हुआ है और यहाँ पर अभी सेबी पूरी मॉनिटरिंग इस केस की कर रही है, साथ के साथ में क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से भी पूरा सहयोग किया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इनकी जो स्कीम है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्मॉल कैप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, मिड कैप टैक्स सेवर फंड, लार्ज कैप फ्लैक्सी कैप, इनके ऊपर क्या असर इस आरोप के पड़े हैं, क्या यहाँ पर जो इन्वेस्टर हैं वो डर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं क्वांट स्मॉल कैप को यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर वन डे का आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 0.02% की गिरावट देखने को मिली है दोस्तों, जो एक छोटी सी गिरावट है। उसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के ऊपर, 0.19% का आप लोगों को यहाँ पर बढ़ोतरी ही देखने को मिली होगी, यहाँ पर कोई भी गिरावट आप लोगों को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फंड की। तो यहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि लोग कहीं पैनिक तो नहीं दोस्तों। इसी के बाद हम मिड कैप को यहाँ पर देख लेते हैं। मिड कैप के अंदर आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर भी कोई गिरावट आप लोगों को पिछले एक दिन के अंदर देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर भी आप लोगों को 0.09% का प्रॉफिट ही देखने को मिला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है क्वांट म्यूचुअल फंड। पिछले 3-4 साल के अंदर हर कोई जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर जरूर करता है दोस्तों। अगर मैं इसके टैक्स सेवर फंड को लूँ तो यहाँ पर भी कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली है अभी तक। और उसके बाद हम बात करते हैं क्वांट लार्ज एंड मिड कैप के बारे में, तो यहाँ पर भी 0.24% तक का बढ़ोतरी ही आप लोगों को देखने को मिली है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे क्वांट फ्लैक्सी कैप की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 0.29% इंक्रीज ही हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे क्वांट मल्टी एसेट फंड के बारे में, तो यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिएगा 0.38% तक आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट ही कल के दिन इसने दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों क्वांट पीएसयू फंड के बारे में भी यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये नया फंड है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो आगे देख लीजिएगा, क्वांट एक्टिव फंड की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये नए फंड हैं तो यहाँ पर छोटी मोटी गिरावट आप लोगों को देखने को मिली होगी। अगर मैं लार्ज कैप मिड कैप फ्लैक्सी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को प्रॉफिट ही देखने को मिला है। तो आज का जो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं वो प्लीज़ पैनिक ना करें सिचुएशंस, ठीक है। तो आप पेशेंस बना के रखिए, जो भी सेबी कर रही है वो अच्छा कर रही है दोस्तों, ठीक है। हो सकता है किसी ने गलत गाइड किया हो, उसके बेस पर भी देखिए, जो भी कोई इंसान आगे बढ़ता है उसकी टांग खींचने वाले बहुत लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ जब तक ये जांच पूरी क्लियर ना हो तब तक आप पैनिक ना करें और अपने पैसे को, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको एज इट इज रहने दें, उसको निकालें ना, क्योंकि आपको ही लॉस होने वाला है, ठीक है। कोई ये बड़ा केस नहीं है और ये कोई पहली बार नहीं है, इस तरह के केस मैंने कल वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि इस तरह के केस सामने आते रहते हैं दोस्तों। फ्रंट रनिंग का केस आता रहता है, पिछले 1-2 साल के अंदर भी आप लोगों ने देख लिया, एक्सिस हो चाहे वो फ्रैंकलिन हो, बहुत सारे फंड के ऊपर ये देखने को मिला है। तो प्लीज़ आप पेशेंस बना के रखिएगा और यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी ना करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप जल्दबाजी करेंगे ना, जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि अगर आप 1 साल से पहले फंड निकालते हैं तो वहाँ से आप लोगों को 1% का चार्ज वैसे देना पड़ेगा, एग्जिट लोड आप लोगों को देना पड़ेगा, वो भी आपको नुकसान ही करेगा दोस्तों।